सुनावली 13.1 नंबर एक नंबर क्वेश्चन 1.5 मीटर लंबा कोमा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर एक, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। नंबर दो, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है। आपको एक क्या दिया है, डिब्बा दिया। डिब्बा कैसा है, आपका घनाव आकार का है। ठीक है, और इसका आपको लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर और चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, ये मीटर में है, लंबाई चौड़ाई मीटर में है और ऊंचाई जो है आपका सेंटीमीटर में। तो इसको भी आप क्या करेंगे, पहले मीटर में चेंज करेंगे। देखो मीटर में चेंज कैसे करते हैं, तो 100 को भागा दे देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। तो 0.65 मीटर। ठीक है, तो नंबर एक, नंबर एक आपको कह रहा है डिब्बा बनाने में कितना सेट का यूज हुआ है, वो निकाला है ना। तो देखिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और कह रहा है ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, बाकी इधर पर बंद है। मतलब देखो, जैसे कि आपको दिया है ये हिस्सा निकालना है, ये हिस्सा निकालना है, ये निकालना है और ये वाला निकालना, नीचे वाला निकाल, ये नहीं निकालना है, पांच फलक आपको निकाल। तो इसका क्षेत्रफल आपको पढ़ाए थे हम, क्या करेंगे, 2HL+B+LB की फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बैठा देते आपको एच एल मिल जाएगा। आपको टू एच, एच कितना है मेरा 0.65, एल एल है 1.5 प्लस बी, बी है 1.25 प्लस एल है 1.5 इंटू 1.25। अब इसको इसे गुना कीजिए, गुना करते थे 1.30 आएगा। ठीक है, अब इधर क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है, जोड़ने से आपका आ जाएगा 2.75 आएगा प्लस गुना कर दीजिए 1.5 × 1.25 या आ रहा है 1.875। ठीक है, अब इतना गुना करेंगे हम लोग 1.30 × 2.75 या आ रहा है 3.575 प्लस 1.875। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे प्लस 1.875 या आ रहा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपको निकल गया, इतना प्लास्टिक सेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नंबर दो, नंबर दो बोल रहा है इसका मूल्य कितना होगा, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य, लागत मूल्य बराबर जो आया है क्षेत्रफल और रेट आपको दिया है 20 का रेट है पर मीटर। यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल गुना दर 5.45 × 20 जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, गुना 20 ये आपका आ रहा है 109 नॉर्म। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर दो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, देखो आपका एक क्या है, कमरा है, कमरा में चारों ओर आपको मतलब क्या करना है, सफेदी करना और छत में सफेदी करना, नीचे में सफेदी नहीं होता ना। ठीक है, तो आपको वही छत है वही चारों ओर है सफेदी करना है, कहाँ चला या नीचे वाला भी सफेदी नहीं करना, या ऊपर वाला भी नहीं करना था या नीचे वाला। एल एल दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, बी आपका है 4 मीटर, एच है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ देखो
कमरे के दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकालो गए। क्षेत्रफल तो मतलब हो जाएगा क्या, रूट टू एच एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अब यूज करते हैं टू इंटू एच, एच कितना है तीन है, एल एल हो गया पांच, बी बी हो गया चार, प्लस पांच गुना चार तीन दोनों छह, पांच चार नौ, प्लस पांच हो गए बीस। अब इसको पूरा कीजिए, चौवन बीस दोनों जोड़ देंगे चौहत्तर मीटर स्क्वायर हो गया आपका क्या क्षेत्रफल, मैंने कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया और छत हो गया। ठीक है, और सफेद आपको इसी में करना है, और इसलिए इसका आपको दिया हुआ है क्या लागत कितना आएगा पूछ रहा है, लागत मूल्य सफेदी का लिखा यार वही लिखेंगे क्षेत्रफल गुना दर, क्षेत्रफल हो गया चौहत्तर मीटर स्क्वायर, दर है सात रुपये आठ नौ। अब इसको गुना कर दीजिए चौहत्तर गुना सेवन पॉइंट फाइव, ये आपका आएगा पाँच सौ पचपन रुपया। ठीक है,